इतनी सारी सुपर कार्स देख स्वाद आ गया, तभी आपने नहीं करवाई। ये देख लो भाई हमारे नालागढ़, देखिए यहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा बन चुका है कि आगे इस वीडियो में और बहुत सारे ब्लास्ट दिखाने वाला हूँ। टिकट लेने के बाद मोहाली सिटी सेंटर की एक बेसमेंट में हूँ। यहाँ पे ये रोमांचक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार मीटअप का अरेंजमेंट बीएस कार्स द्वारा किया गया है और ये एक इनफॉर्मल गैदरिंग है। जो लोग कार एंथुजियास्ट होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी कारों को दिखाते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इस इवेंट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखनी चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन आपने करवाई हुई होनी चाहिए। जैसे कि ये देखो पोलो मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडिफिकेशन का भी ना एक सेंस होता है, मतलब मॉडिफिकेशन ऐसी हो कि आपकी नजरें वहां से हट ना पाए। अंदर से भी इस गाड़ी को देखते हैं और ये पहली गाड़ी है जो जिसकी ऊपर सबकी नजर यहां पे आए, आते ही इसने अट्रैक्ट कर लिया सबको। और अंदर से देखो पूरा बंदे ने मतलब सजा के रखी है यार, नीचे भी लाइट वाइट लगा रखी है। चलो अंदर बैठ के मैं भी रैप करके देखता हूँ। वाओ अमेजिंग, धाकड़ वाली फीलिंग दे रही है यार। और ये देखो मतलब अंदर बैठ के लग रहा है कि ये कार नहीं मतलब किसी स्पेसशिप में बैठे हुए। और यहीं पे ये शॉप है, यहाँ पे कार के डमीज बने हुए हैं जो आप अपने डैशबोर्ड या घर में रख सकते हो, और मेरी तरह जिनके बजट कम है वो कारें लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे शोज की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, ये जापान और इंडिया में आजकल ये काफी फेमस हो रहा है। तो चलो अब इनका जलवा देखने की बारी है, एक बार जलवा दिखा दे। तीन से चार करोड़ की गाड़ी है, 210 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर सकती है, 6 सेकंड में 0 to 100 पहुंचती है, 326 bhp 700 nm यानी कि 6 स्विफ्ट के बराबर का जोर इसमें होता है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और बड़ी बड़ी गाड़ियां आगे आने वाली है। ये देखो एक होंडा सिटी भी, यहाँ भाई ने बिल्कुल अच्छे से मॉडिफाई करवा रखी है रिम। अंदर के इंटीरियर्स देखो, लाइट्स कैसे पूरी रनिंग वाली लाइट्स, और इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखो मौसम कमाल वाली फीलिंग है यार, मतलब अंदर बैठ के और एक चीज बड़ी मतलब ये इस गाड़ी में, ये देखो ऊपर की छत, मतलब ऊपर देख के लगता है कि आसमान नीचे आ गया है। गाड़ी को मतलब एक नया लुक दे दिया, अंदर बैठ के गाड़ी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है कि ये कौन सी गाड़ी है। अच्छा एक चीज़ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है कि i20 वाले लोग बहुत शौकीन है गाड़ी की, मतलब ऐसे ट्यूनिंग या ये जो एग्जास्ट लगाने के। और मॉडिफिकेशन की तो मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, मतलब क्या टेस्ट है, जितनी भी मॉडिफिकेशन देखी है मैं सब पे से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा है। इस एरिया में आने के लिए आपको 1000 और 2000 का टिकट लेना पड़ेगा, और जो लोग यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे टिकट लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी जिन गाड़ियों का इंतज़ार था वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। वाह क्या कमाल की गाड़ियाँ, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ लाइन में आ चुकी हैं, और इतनी सारी शानदार गाड़ियाँ एक साथ देखने का मौका बहुत कम मिलता है। और उससे भी बड़ी बात है इन कमाल की गाड़ियों को लेके अच्छे से मेंटेन करना, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और इन सुपर कार्स के प्रति जो इन लोगों का जुनून है वो यहाँ दिखता है। तो छोटे सेगमेंट की गाड़ियों का कमाल तो आप देख चुके हैं, अब बारी है इनका मज़ा देखने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रही ऑडी R8 V10 पेट्रोल 10 सिलेंडर वाला इंजन, 602 bhp के साथ 560 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब 602 bhp का इंजन जब चलेगा तो पेट्रोल की माइलेज जो है वो 4 से 5 की ही आएगी, इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
और इसके चारों व्हील्स में टॉर्क ऑन डिमांड होता है, सिर्फ दो लोग इसमें बैठ सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ये गाड़ियाँ होती हैं, इसीलिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम मिनिमम रखी जाती है। ये देखो मैं नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी कार की अपेक्षा इसका इंजन जो है वो पीछे, इसको भी इंजन हुड कहा जाता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि इंजन काफ़ी बड़ा रहता है और इसका जो हुड है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप इंजन को ऐसे क्लियरली देख सकते हो। भाई पूरी शेरनी की तरह दहाड़ रही है सच में। एक और Porsche की तरफ से आने वाली गाड़ी, Porsche की 2500 सीसी की गाड़ी है ये और 348 bhp प्रोड्यूस करती है, 500 nm का टॉर्क और 248 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव कर सकती है। इस तरीके से रहता है इसका बैक प्रोफाइल और बूट काफ़ी बड़ा है इसका। इस तरीके से आगे Audi TT45 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन 27 bhp प्रोड्यूस करता है विद 370 nm टॉर्क, 14 से 15 का माइलेज ये गाड़ी है और 1 करोड़ के बजट में ये गाड़ी आ जाती है। चलो साइड लेके चलता हूँ, वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है शायद उस। सो इस तरीके से यार सब लोग आते गए और एक एक करके सबने अपनी कार्स को प्रदर्शित किया, लोगों को दिखाया और अपनी कार्स के जलवे दिखाए। आप सारी गाड़ियाँ यहाँ पे देख सकते हो। भाजी मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो, मैंने एकदम से जब आपको देखा तो पहचान लिया और मैं आपकी वीडियो देखता रहूँगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये देखिए एक मोटो ब्लॉगर हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत लोगों को जुनून है यार आजकल। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है और मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है कंटिन्यूसली और ये भी इस रेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये फीमेल ऑनर है इस गाड़ी की और होंडा मेज की, होंडा मेज गाड़ी है ये। तो बेसिकली चलिए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक इकलौती एक मैडम मिली है जो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट है और कार्स को लेके और इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो मॉडिफाई करवा रखी है। ये होंडा अमेज है जी, पेट्रोल वेरिएंट है। मैडम क्या क्या आपने इसमें मॉडिफाई करवाया? वाली
आभा जी की गाड़ी एक बार बाहर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से दिखती है होंडा अमेज। और शौक बड़ी चीज़ होती है और इसको मेंटेन करने के लिए आपका जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वन मोर इलीगल वेपन, ब्लैक कलर में है ये गाड़ी, बोलो ही है ये। और उधर चलो, ये देखो बाइकर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके बाद एंट्री होती है अर्जुन खत्री एंड टीम की, तो जो कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, उनको ट्यून अप करते हैं। अगर आपको भी गाड़ी ट्यून करनी है तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत शानदार गाड़ियाँ ये लेके आए थे और इनका काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा लोगों में पड़ा था। लोग बहुत पागल हो रहे थे इनकी गाड़ियों को देखने के लिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। बट इनको और ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम जो करते हैं ये पर्सन जो स्क्रीन पे हैं, जिन्होंने बताया कि ECU की रीमैपिंग की जाती है ताकि आपकी गाड़ी ज़्यादा टॉर्क और पावर निकाल सके। इसके साथ ही एयर इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम को और बेहतर बनाया जाता है ताकि गाड़ी की जो सांस लेने की क्षमता है उसको और बढ़ाया जाए। और इसके साथ हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाए जाते हैं और साथ में एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं। इन एग्जॉस्ट को लगाने से आपकी गाड़ी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी साइड लेके चलता हूँ जहाँ पे बाइकर्स अपना दम दिखा रहे हैं। ये देखो एक और पुरानी गाड़ी, सिंपल सुपर वाली मॉडिफिकेशन इस पर की गई है। जेन गाड़ी है ये, ब्लैक कलर में, इसको कार्बन नाम रखा गया है। और लाइव देखो इसको, नए डिज़ाइन के नीचे लाइटिंग और कार्बन, जैसे कि इसको नाम रखा है तो वैसी ही लुक देने की इसको कोशिश की गई है। इतना ही नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन इसमें की है और सनरूफ भी इसमें दे दिया गया है। ये देखो आजकल के लेटेस्ट फीचर, मतलब पुरानी गाड़ी का यही होता है कि जितनी मर्जी काटा पीटी कर लो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर सस्ते में महंगे वाली फील लेनी है और आपका बजट कम है तो ऐसे वाले प्रोजेक्ट पे आप भी काम कर सकते हैं। बट ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कानूनी तौर पर सारे इलीगल होते हैं, खर्च बहुत आता है, नई गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है। कुल मिला के काफ़ी मज़ा आया, लोगों ने काफ़ी अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन किया और वाहवाही लूटी। ऐसी वाहवाही आपको लूटनी है तो बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मीटअप, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई नाउ गोइंग बैक एंड दिस इज माय होंडा सिटी। और उनकी आवाज़ें सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मेरी गाड़ी में भी बड़ी आवाज़ वाला साइलेंसर होना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।